बाकी ये कि अलियार के मंसूबे शैतान के प्लानिंग वो अपनी जगह पर, अल्लाह तबारक व तआला का अपना मुस्तकबिल का मंसूबा क्या है, इन्नहुम यकीदून कैदन वाकीदो कैदा, वो अपनी तदबीरें चलते हैं, अल्लाह ताला अपनी तदबीर करता है। तो इसमें कोई शुबा नहीं है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने पूरे रूए अर्जी के लिए, पूरे ग्लोब के लिए, पूरी ज़मीन के लिए रसूल बनाकर भेजा और रहमत बनाकर भेजा। और दुनिया के लिए वो रहमत असल में सिस्टम ऑफ सोशल जस्टिस है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जज़ीरतुल अरब में ही पूरी तरह गालिब करके दिया। और तो वर्ल्ड आर्डर पूरे दुनिया का एक उसके लिए वाकईतन कैपेबल भी है और उसके लिए फिटेस्ट भी एक है, तो वो इस्लाम ही है जो अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है, जो तमाम कम्युनिटीज़ को अपने अंदर समो सकता है, उसकी काबिलियत है उसके अंदर। बाकी जो इंसान ने निज़ाम बनाए हैं जो मफादात पर और किसी ख़ास कम्युनिटी के मफाद पर जो वो उस्तवार हैं, ज़ाहिर है उन पर नौ इंसानी मुतमाइन नहीं हो सकते, वो उसकी ज़रूरियात को पूरा नहीं कर सकते। वो सिर्फ इस्लाम है जो अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है, और यकीनन कुल रूए अर्ज़ी पर अल्लाह का दीन गालिब होगा। तो आज जो इंसान की ये ख्वाहिश है कि पूरी दुनिया पर एक निज़ाम हो, तो वो एक निज़ाम तो होगा इंशाअल्लाह ताला, एक ही रियासत होगी, लेकिन वो निज़ाम ये न्यू वर्ल्ड आर्डर जो दर हकीकत न्यू वर्ल्ड आर्डर है ये नहीं होगा, बल्कि वो जस्ट वर्ल्ड आर्डर यानी इस्लाम का निज़ाम होगा।